फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक डीमेट अकाउंट को लेके, जो है ICICI, जो डायरेक्ट डीमेट अकाउंट है उस बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग इस डीमेट अकाउंट को ओपन कर लिया था और इस अकाउंट को ओपन करने से लेकर एक साल तक इसका कोई भी मतलब आपको AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, एक फटाफट से आपको ये जो डीमैट अकाउंट है एक साल होने से पहले ही आपको क्लोज करना है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे ICICI डायरेक्ट डीमैट अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको 100% नॉलेज मिल जाएगा कि आपको कैसे करना है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके बताते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका क्लोज नहीं होगा, आपको सही तरीके से करना होगा। और इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन से कर सकते हो या ऑफलाइन से कर सकते हो या कैसे कर सकते हो, तो सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत है तो इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए प्रोसेस बताते हैं कि आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको ऑनलाइन तरीका बताया जाता है, जिसमें आपको एक ईमेल करना होता है और आपका डिटेल्स वगैरह देके ईमेल करना होता है और ईमेल के बेसिस में मतलब क्लोज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखिए, पहले अगर होता भी था लेकिन अभी नहीं होगा। आपको ऑनलाइन आप नहीं कर पाएंगे, आपको करना होगा ऑफलाइन। तो ऑफलाइन कैसे कर सकते हो, तो फ्रेंड्स देखिए, जो ICICI डायरेक्ट डीमैट अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपका जो मतलब बैलेंस रहेगा वो माइनस पे नहीं रहना चाहिए, वो आपका 0-0 होना चाहिए। अगर आपका कोई भी पैसा है तो आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, अगर नहीं है तो 0-0 होना चाहिए, माइनस पे नहीं होना चाहिए। अगर माइनस पे है तो आपको पहले माइनस का जो पैसा है वो 0-0 करना है, उसके बाद ही आपका मतलब क्लोज होगा। तो क्लोज कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए, ऑनलाइन प्रोसेस से तो कर नहीं पाएंगे तो आपको ऑफलाइन करना होगा। तो ऑफलाइन कैसे करेंगे, तो ऑफलाइन करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपको कोई भी एक नियरेस्ट ICICI जो बैंक है बैंक पे जाना है और बैंक पे जाके आपको एक एप्लीकेशन या एक फॉर्म रहता है, उस फॉर्म को भरना होता है। वो फॉर्म भर के अगर आप सबमिट कर देते हो तो आपका 2-3 दिन में आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन आपको जाना होगा कोई भी एक ICICI बैंक में, तो बैंक में जाके ही आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ओनली ऑफलाइन तरीके से ही होगा, कोई ऑनलाइन तरीके से नहीं होगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एक साल के अंदर इसको क्लोज नहीं करवाते हो तो आपको एक साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको 700 का मतलब इसमें चार्ज लगेगा जो AMC है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से क्लोज कर देना है एक साल के अंदर ही। तो आप देख लीजिए आपका अकाउंट ओपन किए हुए कितना दिन हुआ है, तो उसी हिसाब से आप क्लोज करवा लीजिए। अगर ज़्यादा दिन नहीं है तो फटाफट से आप इसको क्लोज कर लीजिए, तो आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन ही देना था। अगर आपको चाहे कि किस टाइप से जो फॉर्म होता है फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे सबमिट करना है, थोड़ा मतलब विस्तार से मतलब एक वीडियो बनाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।